नाइन, 11, 32, 34, 43, 17, 25, 44, 2, 23, 11. पहले ज़्यादा से लीव हो गए, 11 रह गए. आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, साइन चेंज कर नहीं रहे, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हो. ये साइन चेंज मैंने लिखा नहीं है, कर लिखना दिया है क्या, मजाक हो रहा है यहाँ? नहीं, लिखा नहीं है, कर दिया बस। कहाँ माइनस किया, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आना चाहिए. इसको माइनस करेंगे तो ए सी माइनस बी माइनस सी आना चाहिए. जब साइन लिखोगे नहीं तो आंसर तो रॉन्ग ही आएंगे. इसे बी से मल्टीप्लाई किया, ए बी एक्स. इसे बी से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वेयर वाई बी सी. इसे मल्टीप्लाई किया ए से, ए बी एक्स ए स्क्वेयर वाई ए प्लस ए सी. सब्ट्रैक्ट साइन चेंज, ये टर्म इकट्ठे या ब्रैकेट में आएगी, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा. ये कैंसिल. इसमें से इसे माइनस करेंगे, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू बी सी माइनस ए माइनस ए सी. ठीक है, कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी. अगर कॉमन आता तो कॉमन ले लेते थ्री टर्म में से, अभी नहीं आ रहा. ठीक है, वाई इज इक्वल टू बी सी माइनस ए माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वेयर माइनस ए सी. अब हो सकता है कि इन दोनों में से सी कॉमन लिया हो. ठीक है, दो में से कॉमन ले सकते हैं. अगर इन दोनों में से सी कॉमन लोगे क्या आएगा, यहां लिख दूं मैं, सी कॉमन लेंगे. एक मिनट, तो आएगा वाई इज इक्वल टू सी कॉमन बी माइनस ए माइनस ए अपॉन बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर. इतना ही सॉल्व होता है बस. यहां पर भी लीव कर सकते हो, वो भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेना. अब देखो, ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है. अब ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं? नहीं. अब आप क्या करोगे, फिर से एलिमिनेशन लगाएंगे. पहले किसको रिमूव किया था, एक्स को. अब किसको रिमूव करेंगे, वाई को. अगर यहाँ पे वाई को रिमूव करना है तो फिर से एलिमिनेशन लगाएंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी. देखो इधर, अब आपने यहाँ पर पहले एक्स को एलिमिनेट किया था, वाई को करना है. वाई को एलिमिनेट करना है, इसको क्या बनाएंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसको बी से. ठीक है, इसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसको बी से, क्या आएगा, ए स्क्वेयर एक्स ए बी वाई ए सी. इसको बी से करेंगे, बी प्लस बी सी. सब्ट्रैक्ट कैंसिल, यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू एक्स इज इक्वल टू, माइनस कर दो इसे, ए सी माइनस बी सी. एक्स इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी अपॉन, कॉमन आ रहा है सी, ले सकते हैं कॉमन, अदरवाइज ऐसे है बी भी इसमें से लोगे तो बी कॉमन, फर्स्ट और थर्ड में से लोगे तो सी कॉमन, आपकी मर्जी है. ठीक है, बहुत उसका क्या होगा, कोई बेनिफिट होता ना, कैंसिल होता फिर लगाते, अदरवाइज ऐसे है. हाँ, जैसे होगा वैसे तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना. अगर नीचे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा होगा तो लगा देना, अदरवाइज ऐसे ही कर देना आंसर. एक मिनट, गलत है, ये कभी कैंसिल हो ही नहीं सकते. हाँ जी, हाँ कर सकते थे बिल्कुल. एक और बात, ये कॉमन लेने के बाद अगर आप इसमें फॉर्मूला लगा भी देते हो तो ये इसके साथ माइनस वाला कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि इसके ये मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें से ए माइनस हो रहा है. अगर ये ऐसे होता सिर्फ तो कैंसिल हो जाता, अभी इसके साथ ये है तो कभी कैंसिल नहीं होता, याद रखना. बिल्कुल रॉन्ग है, वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके साथ ए भी है, वो सिंगल टर्म नहीं है. ठीक है, लिखो नेक्स्ट. द लाइन 4x
प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व फोर एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। ग्राफ बनाओ, इक्वेशन दी है उसका ग्राफ फॉर्म करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ट्रायंगल बन रहा है, इक्वेशन का कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ट्रायंगल बन रहा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात कर रहा है। ध्यान का है? नहीं है ध्यान। इसमें इसका ग्राफ बनाना है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ, जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया निकालना है। किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए कितने सॉल्यूशन चाहिए? मिनिमम टू, थ्री भी फाइंड कर सकते हैं पर मिनिमम टू, टू से लेस में पता नहीं चलेगा आपको। इसके दो सॉल्यूशन फाइंड करो, एक बार एक्स को जीरो लो एक बार वाई को, दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। अगर आप एक्स को जीरो पुट करते हो उसका क्या मतलब होता है? वाई एक्सिस पे कट करती है, और अगर वाई को जीरो पुट करते हैं तो एक्स एक्सिस को कट करती है। बनाओ ग्राफ, एक्स को जीरो पुट करके क्या आएगा? एक्स को जीरो पुट करके वाई क्या आएगा? फोर, जीरो कॉमा फोर, और वाई वाई को जीरो पुट करके थ्री, थ्री कॉमा जीरो। दो सॉल्यूशन मिल गए। ग्राफ बनाओ, रफ ड्रॉ करो ग्राफ और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, जल्दी फटाफट करो सब। आवाज ना आए किसी की भी। ट्रायंगल का एरिया आ रहा है सिक्स स्क्वायर यूनिट।